पर रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं एक पुलिसमैन। जी हाँ, और जो पदस्थ है इन दिनों बस्तर में दूरांचल सुकमा जिले में। नाम है इनका मुकेश शर्मा और इनसे बातचीत कर रही हैं मीनू सिंह। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए मीनू सिंह का नमस्कार। हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं ऐसी निराली शख्सियत से जो दो बिल्कुल अलग अलग कहें या विपरीत क्षेत्रों से जुड़े हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों में महारत हासिल है। ये क्षेत्र कौन से हैं, वो क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि आप उन्हीं की जबानी सुने। तो आज सप्ताह के श्रोता क्रम में हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। मुकेश जी, हम और हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके करियर के बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम, ऐसे तो लगभग नाम से अब वाकिफ भी हो गए हैं और श्रोता भी जानते हैं, मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से। हम क्या पुलिस विभाग में 1986 से पदस्थ हैं। जी जी बोलिए। और हमारा जन्म तारीख है 5/8/1963। शिक्षा 1982 में मैट्रिक हमने करी थी और उससे हमारी पोस्टिंग भी रही है और रेडियो सुनना तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और हमारा जो है श्रीलंका से शुरू है, प्रथम श्रीलंका से हमारा जो लगाव प्रारंभ हुआ था 1972 में, हमारा जो है पहला पोस्ट कार्ड उठा था, तब से आप श्रोता ग्रुप में वो आगे के हम श्रोता बन गए। आप करते क्या हैं? मैं पुलिस विभाग में पदस्थ था, 1986 में पुलिस विभाग में पदस्थ था आरक्षक पद पे। आज हमारी नौकरी जो है सुकमा जिला में चल रही है। मतलब 10 साल कोर्ट में रहने के बाद 10 साल हम मध्य प्रदेश पुलिस का चलिए सर आगे करते हैं कि पुलिस सर्विस में ही जाना है, ये आपने कब डिसाइड किया? जी पुलिस विभाग ऐसा विभाग जाना है, सोचता भी नहीं की जाए उसे समस्या एक माहौल और हालात ऐसा के साथ नौकरी खुद मिल जाए। बाद में कहता है कि मिलने के बाद में लगता है कि नहीं बहुत अच्छी है, देश की सेवा करने में भी आनंद रहा है, सब चीज अच्छा लगता है उसके बाद में। जी हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है? बेटी का नाम मेरा है गरिमा शर्मा और बेटे का नाम है गौरव शर्मा। बेटी एमए कर रही है इंजीनियर में है और बेटा बीबीए कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे बड़े हो गए हैं। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। मुकेश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस सर्विस सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक है। आज जो लोग घरों में चैन से सो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण पुलिस होती है। कोरोना काल में तो इतनी जवाबदारी शिक्षकों की भी थी और हॉस्पिटल विभाग की भी जवाबदारी थी, पुलिस विभाग की भी जवाबदारी थी। मतलब समझ चाहिए कि सब एक दूसरे का इतना साथ दिए उन्होंने, उसके बावजूद जो है कुछ कंट्रोल हुआ हो पाया हमारे उसमें जीवन में। जी जी, हर एक का क्षेत्र अपनी जगह में वर्चस्व है, जैसे शिक्षक हो। तो सर यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे एक पुलिस सर्विस में रहने वाली व्यक्ति की बात करें तो जो कार्य है वो आपका 24 घंटे का होता है और बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते हैं, तो परिवार और घर और ये जो आपका कार्य क्षेत्र है इसके बीच में आपने सामंजस्य कैसे बैठाया? और मेरा प्रश्न ये है कि किस बात पे आपको फख्र रहा और किस बात को लेकर ये हसरत है गई कि ये भी होना चाहिए था? नहीं सही, सत्य बात है, पुलिस विभाग की नौकरी एक ऐसी है कि उस वो परिवार से थोड़ा दूर हटके रख करनी पड़ती है। अब जैसे प्रारंभ में हम खेल में उसमें भर्ती हुए थे तो उस समय ये हुआ कि बच्चे और मिसेज यहीं पे थी और हम भोपाल चले गए, तो 6 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद लौट के आते थे, तो उस समय जो है हम परिवार से मिल लेते, तो वही हम लोग को बहुत बड़ा दुख है। अब फख्र की बात जो सबसे बड़ी होती है कि देश की सेवा कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पुलिस सर्विस में जो लोग हैं उनके साथ हमेशा रहता है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वाकया जिसने आपको सबसे ज्यादा
प्रभावित किया हो वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। वाक्य तो ऐसा है मैडम कि अभी जब हम उस समय खेल में भोपाल में थे तो उस समय बाबरी मस्जिद का जो हुआ था कांड उस समय, उस समय हमारी ड्यूटी वहीं पे थी भोपाल में जी। तो उस समय ऐसे हालात हमारे आंखों के सामने आए कि मतलब आज भी आंसू आते हैं जी। कौन किसके पीछे, कौन किसको काट रहा है, कौन, हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन लोगों को नसीब नहीं हो रहा था, भोजन नसीब नहीं हो रहा था। उसके बावजूद हम लोग भी और भी जो स्पोर्ट्स के लड़के थे पूरे भोपाल में लगभग जहांगीराबाद में क्लोज थे, उनको घर घर बच्चों को वहाँ ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, कोई जात नहीं देखे हमने, जिनकी अभी जो व्यवस्था हो सकती थी हम लोग कहीं से जुगाड़ करके व्यवस्था कर करके उनको पहुँचाते थे, राशन पानी आलू प्याज। वो हालत इतने आज भी आंख में आंसू आता है वो हालत देख के जी। आप उन समस्याओं के भुक्तभोगी हैं और आप ये जानते हैं कि किस तरह से दंगे और सांप्रदायिकता देश को नुकसान पहुंचाती है और उसमें किस तरह से जाने जाती हैं और उसमें कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं रहता, वो जब होते हैं तो फिर ये नहीं रह जाता, सभी तरफ नुकसान ही नुकसान। तो मुकेश जी यहाँ पर एक और प्रश्न मैं लूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे पुलिस सर्विसेज में आज डिजिटल युग आ गया, एक खास मीडिया मोबाइल सूचना सुरक्षा और गवाही और सर्विलेंस का बड़ा आधार हो गया, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है और मतलब अफवाहें झूठे समाचार पहले के मुकाबले आज ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे ये झूठी न्यूज की पुरानी न्यूज को बना के या नया न्यूज बना के लोगों को भड़काने का जो काम हो रहा है तो उससे कैसे बचें? सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि जो ये आज के जमाने जो मोबाइल आ गया है, ये मोबाइल नहीं होता तो उस समय भी सुख था, पहले भी तो मोबाइल सिस्टम नहीं था, ना लैंडलाइन का सिस्टम था, चिट्ठी पत्री से काम चलता था, उस समय भी हमको सब जानकारी मिलती थी और कितने खुश थे हर इंसान। अभी लैंडलाइन का फोन आने के बाद में सुविधा भी बना है, दुविधा भी बना हुआ है जी। आज जैसे सिटी एरिया में कई प्रकार की अफवाहें उड़ती है मोबाइल के जरिए, और यहाँ भी हम लोग आज नक्सल एरिया में पदस्थ हैं, कोई भी सूचना मिलती तो हमको भी सूचना मिलती, अदर्स लोगों को भी सूचना मिल जाती है कहाँ पे फौज निकल जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसके लिए तो शासन भी कुछ नहीं कर सकती है और ना हम लोग कुछ कर सकते हैं इस संबंध में जी। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि किस तरह की जो कोई भी हेट स्पीच है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें लोगों की बुराई के बारे में बताया जा रहा है उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, कम से कम बिल्कुल जी। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज ऐसी होंगी कि हम बहुत हद तक इस तरह से जो झूठी बातों पर जो क्राइम हो जाते हैं, जैसे कि एक वहां पर हुआ था कि चोर है और बोले जबकि वो चोर नहीं थे और मारपीट हो गई, तो इस तरह के जो लिंचिंग है इनको हम कम से कम रोक सकते हैं, है ना? सत्य बात है, आज के जमाने में यदि आम जनता या करता है या पुलिस वाला कुछ करता है वो हालात और माहौल को नहीं समझ सकता है इंसान कि कौन किस हालात में है, वो क्या कर रहा है, और 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो सो रहा है तो उसकी वीडियो इतनी वायरल कर देता है इंसान, मतलब उसके बारे में सोचता नहीं है। कभी कभी देखिए ट्रैफिक ड्यूटी तमाम ड्यूटियाँ करते हैं, कुछ गलतियाँ करते भी है, पाछों की बराबर नहीं होती है, कुछ हो सकता है कि गलतियाँ करते भी कुछ विभाग के, लेकिन उसमें ये है कि उसके पहले वो मारपीट हो गई तो कोई वो हाल नहीं है ना जी, जी। उसको नियम के हिसाब से काम किया जाए, चाहे आम जनता हो चाहे पुलिस वाला ही हो, नियम के हिसाब से कोई काम हो तो बेटर हो जी। बिल्कुल, तो लोगों को नियम मानना चाहिए। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 MHz पर। कोरोना के इस कठिन दौर में न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि घर पर रहें, बल्कि अपने घर के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को अलग अलग माध्यमों से, फोन कॉल के माध्यमों से इसके प्रति सचेत करिए। यदि आपको लगता है कि नाते रिश्तेदारों में या आपके परिवार का कोई व्यक्ति प्रशासन के जो नियम हैं उसका उल्लंघन कर रहा है तो ज़रूर उसे कॉल लगाइएगा, उसे समझाइएगा कि ये हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और राष्ट्र की सेहत के लिए भी बेहद बेहद जरूरी है। इसलिए घर पर रहिए, घर पर रहिए, घर पर रहिए। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। सर आप कितने वर्षों से इस सर्विस में हैं और तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होती है, जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स को भी आप ही लोगों को संभालना पड़ता है,
तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक अपराधी किस तरह से अलग होता है सामान्य लोगों से। मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं, कोई भी अपराध करने के पहले उनके मन में क्या विचार चलते होते हैं, और उनसे आप किस तरह से डील कर पाते हैं, कैसे उनको पकड़ पाते हैं कि हाँ ये इनकी साइकोलॉजी ऐसी है और इनके साथ हमको ऐसे डील करना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी मुजरिम या बचपन में मुजरिम नहीं होता है, उसको हालात, उसको ऐसे समय उसके सामने आ जाते हैं कि वो कुछ कभी चोरी करने में मजबूर हो जाता है, कभी डकैती करने में मजबूर हो जाता है। तो कोई भी किसी के भी माथे पे बचपन से नहीं लिखा रहता कि मुजरिम है, चोर है, लेकिन बस यही है कि उसको हालात बनाते हैं, कोई भी उसके सामने में ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो बेचारा मुजरिम बन जाता है। मुजरिम बनने के बाद में उसकी आदतें ऐसी हो जाती है कि एक बार करता, दो बार करता, तीन बार करता, तो वो अपराधी हो जाता है, वो अपराधी की श्रेणी में आने लगता है। तो उसको फिर हीन भावना से देखते हैं, घर परिवार वाले भी देखते हैं, पुलिस विभाग वाले भी देखते हैं, आम जनता भी देखती है, ये तो आदतन हो गया है, ये तो काम ही यही है, रोज का काम है। वैसे में आदमी वो हो जाता है, वो पहली बार में अगर सामने वाला समझ जाए, उनके परिवार वाले समझा दे, लेकिन समझ नहीं आता उस इंसान को, ऐसे इंसान जाके अपराधी बनते हैं। बाकी हमारी दृष्टि में तो कोई भी इंसान शुरू से ऐसा काम नहीं करता, धीरे 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 उनको हालात बना देते हैं ऐसे, और मुजरिम तो फिर मुजरिम होता है जी, उनके साथ जो न्याय करना वही करेगा इंसान, हम हो चाहे आम जनता हो। जी जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार कोई गलती करता है तो उसे समझाइश देनी चाहिए, न कि जो कठिन तरह की सजाएं लोग दे देते हैं उसके बजाय उसे समझाइश देकर उसे समझाया जाना चाहिए, और उसे एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को सुधार सके। बिल्कुल सत्य बात जी। अभी रायपुर की बात है, अभी हम लोग रायपुर में पदस्थ थे पिछले 2-3-4 साल पहले, तो वहाँ पे भी एक स्थान पे एक लड़के की आदत पड़ी थी कि किसी की मोबाइल चुरा लेना, तो एक बार हो गया, दोबारा फिर मोबाइल चुरा लेना, तो 3-4 ऐसे मोबाइल उसने चुराए। बाद में पकड़ में आया तब पता चला कि उसके पास में 5-10 मोबाइल हैं। तो वही पहली मोबाइल में चोरी के बाद अगर समझ में आ जाती बात कि नहीं गलत किया मैंने, तो दोबारा वैसी करनी नहीं करता हूँ। जी जी, और नशे का कितना रोल रहता है क्राइम में? वो तो उनके साथ जुड़ा ही, नशे अपराधी है वो तो नशे का शुरू से, मतलब चलिए कि उसके बगैर वो कुछ उल्टा सीधा काम ही नहीं कर सकता, कि नशे के तौर पे आधा काम तो उसी उसमें उसमें करता है, वो उनके साथ उनका जुड़ा ही है उसे, अगर उसका आदि नहीं होता वो तो संभव वो कुछ कम अपराध करता। जी जी, तो इस तरह से जो बचपन में या छोटे जब उम्र टीन एज होती है, तो उस समय माता पिता को इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी हो है कि बच्चा आपका सकारात्मक चीजें सीखे और नशे से दूर रहे, तो जो अपराध की तरफ जो बढ़ने के कदम होते हैं वो रोके जा सकते हैं। जी धन्यवाद। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें बातें नहीं। अरे बहन जी, अब मैं इस लड़के से बहुत परेशान हो गई हूँ, जब देखो तो चिड़चिड़ लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, हर रोज किसी न किसी बात पर बहस करता ही रहता है। अरे वो बच्चा है और कैरियर के लिए परेशान भी, तो क्या सिर्फ उसे ही चिंताएं हैं क्या? हम भी तो इस दौर से गुजर कर ही यहाँ आए हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। देखो हमारा वक्त बिल्कुल अलग था, आजकल के बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। क्या तुमने उससे बैठकर कभी बात की है? नहीं ना। देखो ये जो तुम बता रही हो, चिड़चिड़ापन, बात ना करना वगैरह वगैरह, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। हैं? डिप्रेशन? हाँ हाँ, डिप्रेशन यानी अवसाद। वो कैसे पता चलता है? स्वभाव में परिवर्तन देखकर। देखो पहले तो वो ऐसा नहीं था। अच्छा ये बताओ उसे भूख लगती है? नहीं, आजकल वो कुछ नहीं खाता। और जो चीजें उसको पहले पसंद थी वो अभी कुछ नापसंद सी लगती हो? हाँ, पहले पसंद वाली चीजों को देखकर अब वो चिड़चिड़ाने लगा है। बस यही स्वभाव में परिवर्तन देखकर पता चलेगा। मेरे हिसाब से अभी इस बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए तुमको, और साथ ही बात करनी चाहिए डॉक्टर से। अर्पा रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
हम जानना चाहते हैं कि आपके शौक क्या है। शौक में वही पहले स्पोर्ट्स में थे तो आज भी स्पोर्ट्स का शौक है, और दूसरी बार रेडियो सुनना तो है ही, बचपन से सुनते आ रहे रेडियो, और आज भी जहाँ जहाँ अवसर मिलता है ड्यूटी के बावजूद जैसे समय मिलता है एक आध घंटे का रेस्ट मिलता है तो वो रेडियो, इसमें मोबाइल में एप्स में आजकल काफी रेडियो आ गए हैं, अर्पा का भी वो आ गया, लिंक आ गया है, कई प्रकार के लिंक आ चुके हैं, हर एक जब जिसका समय मिल जाता है उसी समय सुन लेते हैं। ज्यादा यहाँ तो नेटवर्क की समस्या है तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है कोई प्रोग्राम सुनना, और दूसरा जैसे समय मिलता है तो पेड़ पौधे लगाने का ज्यादा शौक है हमारे। क्या बात है, आप समाज के साथ साथ प्रकृति को भी संवार रहे हैं, और वैसे हम एक बात आपके बारे में जानते हैं कि आप बेहतरीन मंच संचालक हैं, और इसके पहले गीत के पहले जो आपने लाइनें कही थी कहने के अंदाज से हमारे जो श्रोता हैं वो समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न मन में उठता है कि जैसे हमने कहा तो विपरीत रूप, आप तमाम तरह की नकारात्मकता से जूझते हैं, और दूसरी तरफ जब आप मंच पर होते हैं तो साहित्य का सौंदर्य, भाषा के सौंदर्य के साथ आप मंच का संचालन करते हैं, तो ये नकारात्मकता के बीच से सकारात्मकता जो बोलनी चाहिए, भाषा का सौंदर्य, भाषा पर पकड़, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? शुरू से इतना सौभाग्य मिला हम लोगों के साथ में जितने श्रोता थे, उसके बाद में खेल में गए तो खिलाड़ी अच्छे मिले, साथ संगत का असर पड़ता है और कोई बात नहीं। अभी मुरली छत्री खान जी हैं हमारे वरिष्ठ श्रोताओं के, वो भी मंच का संचालक टॉप में करते हैं तो कुछ उनसे सीखे, दिल्ली से कुछ होता है हमारे परिचित हैं वो भी मंच संचालन करते हैं तो उनको देख देख के, और अभी धनेश्वर जी भी हैं, कई अपने आर्जेस लोग हैं, संज्ञा मैम है, अनिल भाई है, इनकी भी आवाज हमारी अच्छी अच्छी सुन सुन के पूछता है कि नहीं कि अपने को भी कम से कम मंच की तरफ दौड़ना चलना चाहिए, बस ये शौक है कुछ नहीं। मतलब रेडियो आपका शिक्षक भी रहा है जिसने दोस्त भी दिए और सिखाया भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो अर्पा रेडियो से कब से जुड़े सर? प्रारंभ हुआ तब से जुड़े हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि हम सुन नहीं पाते, अब सिटी एरिया में जाएंगे तो कंटिन्यू सुनेंगे उसको, लेकिन बाकी उसके जो लिंक है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो पूरा हम रीड करते हैं, बराबर रीड करते हैं कि कौन श्रोता हफ्ते श्रोता में आया है, किन की पसंद की क्या चल रहा है। बीच में चालू हो गया था सुनने को मिलता था यहाँ पे भी, अब आपकी नेटवर्क समस्या से नहीं सुन पा रहा हूँ। सबसे बेहतरीन प्रोग्राम आज की डेट में अर्पा रेडियो स्टेशन अर्पा ही है आज की डेट में। शुक्रिया सर, क्या बात है। और अभी जहाँ पर आप पदस्थ हैं वहाँ पर जो रहते हुए आप जो दूर बैठे हैं, जो नहीं जानते सुकमा में कैसी परिस्थितियाँ हैं, क्या है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं वहाँ के बारे में? जी, अभी तो यहाँ पे मान के लिए रायपुर से 450 किलोमीटर के आसपास सुकमा जिला, सुकमा से 40 किलोमीटर और आगे एक बढ़ते ठीक कैंप है, हम लोग सीएफ का एक कैंप होता है जी। तो कैंप के चारों तरफ में 8 गार्ड लगी है, 24 घंटा वो 8 गार्ड लगती है हमारी, उस कैंप के अंदर ही हम लोग अपना कैंप का पूरा सुरक्षा करते हैं। आपातकालीन में जैसे यहाँ से पूरा सुकमा जिले में रोड बनवाना है, रोड बंदोबस्त में बाहर निकलते हैं या रोड सर्चिंग में निकलते हैं या कुछ सूचना मिलती है, गुप्त सूचना मिलती है तो वहाँ जाती है पार्टी, हमारी पार्टी है, एसटीएफ की पार्टी है, डीआरजी की पार्टी है, कुल मिला के लगभग 100-150 आदमी पूरा मय हथियार के साथ में हम लोग पूरा पैदल मार्च करते हैं, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जैसा अवसर मिलता है। तो अपने को यहाँ पे 2-3 महीने के बाद फिर परिवार से मिलने का हर एक को मौका मिलता है, तो बारी बारी सबको यहाँ छुट्टी भी छोड़ी जाती है। जी जी, तो कितनी कठिन परिस्थितियों में आप हमारे क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों को विकास से जोड़ रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को, आपको सभी को हम अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से सलाम देते हैं। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। शुक्रिया मुकेश जी, इतनी व्यस्त जिंदगी में और इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी सारी बातें शेयर की। निश्चित ही हमारे जो भी श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी आपसे और आपके काम के प्रति, आपके लोगों के प्रति श्रद्धावान होंगे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में इस सप्ताह हमारे साथ मेहमान श्रोता के रूप में उपस्थित थे मुकेश शर्मा, जिनसे बातचीत की मीनू सिंह ने।